नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूं फिर से एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान विशेष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और प्रकृति चहू ओर से खिल उठी है। इस मौसम में न जाने कितनी ही ऐसी जड़ी बूटियाँ हमारे आसपास में उत्पन्न होती है जिनकी हमें जानकारी नहीं होती। चित्र विचित्र आकार वाले और कई प्रकार के फूलों तथा रंगों वाली न जाने कितनी ही ऐसी जड़ी बूटियाँ होती है, जिसमें से कुछ जड़ी बूटियाँ तो ऐसी होती है जिनको हमने पहले कभी नहीं देखा होता। ऐसी ही एक जड़ी बूटी है जिसका नाम है पियाबासा। इसे सरैयक भी कहते हैं। हिंदी में इसे कटसरैया कहा जाता है। कोई इसे पियाबासा कहते हैं तो कोई इसे कांटा सरयो भी कहते हैं। ये एक झाड़ीदार और कांटों से भरा हुआ एक कक्षुप होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। फूलों के रंग फिर से इसकी चार प्रजातियां होती है। पहला तो आप जो ये देख रहे हैं पीले रंग के फूल वाला, दूसरा होता है जिस पर लाल रंग के फूल होते हैं, तीसरे पर सफ़ेद रंग के और चौथा जो होता है इस पर नीले रंग के पुष्प लगते हैं। तो दोस्तों, पहचान लीजिए इस कांटेदार पौधे को जो दांतों के दर्द को दूर करने की एक रामबाण जड़ी बूटी है। दोस्तों, इसकी चारों प्रजातियों में से जो पीले रंग का फूल वाला पौधा है ये सर्वत्र पूरे भारतवर्ष में आसानी से मिल जाता है और औषध कार्य में भी इसी का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। इसमें सफ़ेद फूल वाले कटसरैया की प्रजाति दुर्लभ मानी जाती है। इसके फूल भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं। इस चमत्कारिक जड़ी बूटी का प्रयोग करने से हिलते हुए दांत भी मजबूत बनते हैं। पायरिया जैसे खतरनाक रोग को दूर करती है। दांत में अगर कीड़े पड़ गए हो तो ये भी नष्ट हो जाते हैं। ये चमत्कारिक जड़ी बूटी सभी प्रकार के दांतों के दर्द को दूर करती है। इस बूटी में दांतों को मजबूत और कठोर बनाने का एक चमत्कारिक गुण पाया जाता है, जिसके कारण कुछ विद्वान इसे वज्रदंती भी कहते हैं। दोस्तों, इसकी प्रकृति गर्म होती है। दांतों के दर्द को दूर करने के अलावा भी ये जड़ी बूटी कई प्रकार की बीमारियों को दूर करती है। इसकी प्रकृति गर्म होने से ये वात, कफ और खांसी को दूर करती है। शरीर के किसी भी अंग में सूजन हो जाने पर इसकी पत्तियों का बाह्य लेप किया जाता है, जिसके कारण सूजन दूर हो जाती है। इसके अलावा इसके पत्ते एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। ये शरीर में किसी भी प्रकार के घाव हो जाने पर घावों को शीघ्र भरते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि दांतों के दर्द को दूर करने के लिए कटसरैया का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि दांतों को सदा के लिए स्वस्थ रखने के लिए और दांतों में होने वाले दर्द को दूर करने के लिए इस कटसरैया का किस प्रकार से हम प्रयोग करें। दांतों में दर्द होने पर इसके पत्तों का रस निकालकर या इसके पत्तों का क्वाथ बनाकर गरारा करने से दांतों का दर्द दूर हो जाता है। इसके अलावा इसकी जड़ों को सुखाकर पाउडर बनाकर दंत मंजन की तरह उपयोग करने से भी दांत मजबूत बनते हैं और दांतों के कई प्रकार के रोग दूर होते हैं। जब दांतों में कीड़े लग गए हो, दांतों में सड़न उत्पन्न हो गई हो और दांतों का दर्द असहनीय हो रहा हो, तो ऐसी अवस्था में पीले कटसरैया के 10 से 12 पत्तों को लाए पानी से साफ करके और एक गिलास पानी में धीमी आंच पर पकाए। पानी जब आधा शेष रह जाए तब ठंडा होने दे और छान कर उस पानी से दिन में हर 2 घंटे के बाद कुल्ला करें। ये प्रयोग 3 से 4 दिनों तक लगातार करना चाहिए। इससे निश्चित ही दांतों का दर्द दूर हो जाता है और सड़न भी कम होती है। दोस्तों, इस प्रयोग को करते रहने से हिलते हुए दांत भी मजबूत बन जाएंगे। अगर आपके आसपास में ये जड़ी बूटी पाई जाती है तो आप बेहद खुशनसीब है। इस पौधे को लाए, साव में सुखाए और पाउडर बनाकर अपने पास रखें। उस पाउडर से रोजाना दंत मंजन करें और दांतों पर मालिश करें। निश्चित ही आपके दांत मजबूत बन जाएंगे। दोस्तों, पहले के जमाने के लोग इसी प्रकार की जड़ी बूटियों का उपयोग करते थे और सालों तक अपने दांत को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखते थे। अगर मसूड़े में दर्द हो रहा हो, मसूड़ों से खून निकलता हो, तो ऐसी अवस्था में इस कटसरैया के पत्तों को पीसकर इसका रस निकालें और इसमें थोड़ी सी फिटकड़ी मिलाकर कुल्ला करें। कुछ ही समय में आप देखेंगे कि मसूड़ों से खून आना बंद हो जाता है। अगर दांतों में दर्द हो रहा हो तो ऐसी अवस्था में इसके पत्तों के साथ अकरकरा के पत्तों को पीसकर दांतों के नीचे कुछ समय तक दबाकर रखें। आप देखेंगे कि तुरंत दांतों का दर्द मिट जाएगा, गायब हो जाएगा।